आज हम बनाएंगे लखनवी चिकन बिरयानी, या फिर आप इसे अवधी चिकन बिरयानी भी कह सकते हैं। ये बिरयानी हल्के मसालों वाली बहुत ही रिच फ्लेवर की बनकर रेडी होती है। तो सबसे पहले इस बिरयानी को बनाने के लिए हम लेंगे आधा कप तेल। इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज, पतले स्लाइसेस में कटी हुई। प्याज को हम हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई हो जाएगी उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 किलो चिकन। चिकन जैसे ही डालेंगे हम फ्लेम को हाई कर लेंगे और चिकन को अच्छी तरह से हम तेल के साथ मिक्स कर लेते हैं हाई फ्लेम पर। 5 से 6 मिनट के लिए हम चिकन को तेल में फ्राई कर लेंगे। जब आप देखें कि चिकन पर अच्छा सा व्हाइट कलर चढ़ गया है, इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। 5 डालेंगे हरी इलायची और 5 डाल देते हैं लौंग। बस इतने ही खड़े मसालों के साथ अब चिकन को हम भून लेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए तब तक हम चिकन को हाई फ्लेम पर मिक्स करते हुए भून लेंगे। इस बिरयानी में पीली मिर्च का पाउडर पड़ता है जो बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर देता है। ये पीली मिर्च का पाउडर आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की हूँ, आप चाहें तो वहाँ से भी खरीद सकते हैं। 2 चम्मच भरकर डाल देंगे इसे। 1 चम्मच डालते हैं लाल मिर्च का पाउडर। फिर से 1 से 1.5 मिनट के लिए चिकन को मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। अब फ्लेम को एकदम लो कर लेते हैं और डाल लेते हैं 3/4 कप फेटा हुआ दही। ये करीब 150 ग्राम दही है। चिकन के हिसाब का करीब 1.5 चम्मच नमक इसमें डाल देते हैं। अब बिरयानी मसाला बनाने के लिए हम लेंगे 10 ग्राम हरी इलायची, 10 ग्राम लेना है जावित्री, आधा टुकड़ा ले लेते हैं जायफल का। इसे ग्राइंड करके इसका अच्छा सा एक पाउडर बना लेंगे। इसमें से 1/2 चम्मच बिरयानी मसाला हम यहाँ पर डाल लेते हैं। लो फ्लेम पर दही को अब अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स करते जाना है। जैसे ही देखें आप, दही अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स हो गया है, फ्लेम को हाई कर लेंगे और जब अच्छा सा बॉईल आ जाए चिकन में, तब हम इसमें करीब 1/2 कप पानी ऐड कर लेंगे। चिकन जब पकेगा तो इसका अपना पानी भी छूटेगा, इसलिए हम कम पानी ऐड करेंगे। साथ ही इसके हम डाल देंगे 3 से 4 बूंदे मीठा अत्तर की। ढक्कन लगा देते हैं और चिकन को कम से कम 15 मिनट के लिए हम पक जाने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। चिकन को हम 80 से 90% तक पकाएंगे, बाकी ये पकेगा चावलों के साथ। चिकन पक चुका है, ढक्कन हटा लेते हैं, फ्लेम बंद कर देंगे और अब सारे चिकन के पीसेस हम निकाल लेंगे। मसाले को हटाकर ये चिकन के पीसेस को हमें निकाल लेना है। अब ये जो यखनी बची हुई है इसे हमें छान लेना है। अच्छी तरह से मसाले को निचोड़ कर हम इसकी यखनी निकाल लेते हैं। अब सारी खुशबू इसमें डाल देते हैं। 1 बड़ा चम्मच भरकर डालेंगे केवड़ा वाटर, 1 बड़ा चम्मच भरकर डालेंगे रोज वाटर, 3 से 4 बूंदे मीठा अत्तर की डाल देंगे। दूध डालेंगे इसमें 1 कप भरकर। बिरयानी को और रिच बनाने के लिए आप चाहें तो इसमें फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच डाल देंगे खुशबूदार बिरयानी का मसाला जो हमने रेडी किया हुआ है। मिक्स कर लेते हैं सारी चीजों को। ये खुशबूदार यखनी हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब जो रोगन है, जो तरी है इसके ऊपर, इसे हम थोड़ा सा निकाल लेंगे। करीब 2 से 3 बड़े चम्मच भरकर रोगन हम इसमें से निकाल लेंगे। 1 बड़ा चम्मच भरकर इसमें घी ऐड कर लेते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इसे अब हम साइड में रख देते हैं। अब चावल बनाने के लिए हम लेंगे 3 से 4 लीटर पानी। इसमें डालेंगे 6 से 7 लौंग, 6 से 7 डालना है हरी इलायची और 1 तेज पत्ता डाल लेते हैं। नमक डाल देंगे 2 बड़े चम्मच भरकर। 2 बड़े चम्मच भरकर डाल देते हैं इसमें घी। घी डालने से चावल बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी होते हैं। 1/2 नींबू का रस डालेंगे इसमें। बस इतने ही खड़े मसालों के साथ हमें ये चावल को उबालना है। पानी में जैसे ही बॉईल आ जाए हम इसमें डाल देंगे 1 किलो बासमती चावल 1/2 घंटे के लिए भिगोकर धोए हुए। चावलों को हम 75% तक पका लेंगे। अब बिरयानी को बिछाने के लिए हम यही बर्तन ले लेते हैं जिसमें हमने चिकन रेडी किया था। थोड़ा सा पहले इस पर घी डाल लेंगे। चावल जो 75% तक पक चुके हैं इसे थोड़ा सा यहाँ पर बिछा लेते हैं। अच्छी तरह से इसे सारी जगह फैला लेंगे। अब चिकन को यहाँ पर डाल देंगे। चिकन डालने के बाद खुशबूदार यखनी जो हमारे पास है ये यहाँ पर डाल देंगे। अब बिरयानी का मसाला करीब 1/2 चम्मच इस पर छिड़क लेते हैं। बचे हुए चावल का पानी ड्रेन करके यहाँ पर बिछा लेंगे। चावल सारे डालने के बाद हम इस पर रोगन का मिक्सचर डाल देंगे। मैं इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल लेती हूँ। आप चाहें तो जाफरान को दूध में भिगोकर भी डाल सकते हैं।
कलर डालने के बाद बिरयानी को ढक देंगे और इसे हमें पकाना है दम पर एकदम लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद ढक्कन हटा लेंगे। इस बिरयानी में धनिया, पुदीने के पत्ते या फिर तली हुई प्याज नहीं डाली जाती है, बस इसे इसी तरह से चावलों को यखनी के साथ हम मिक्स कर लेंगे। ये रिच फ्लेवर वाली खुशबूदार लखनवी चिकन बिरयानी को आप सर्व कर लीजिए चटनी के साथ या फिर दही वाले रायते के साथ।